मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक क्लास JJIC में आज हम लोग बात करने वाले हैं लॉरेंज बल के आधार पर विद्युत चुंबकीय प्रेरण की व्याख्या कैसे की जाती है, फैराडे के नियम की उत्पत्ति। ठीक है ना, लॉरेंज बल के आधार पर विद्युत चुंबकीय प्रेरण की व्याख्या करना है और फिर फैराडे के नियम को प्रूफ करना है, यानी फैराडे के नियम की उत्पत्ति भी करनी। तो हमारा टॉपिक है एक्सप्लेनेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ लॉरेंज फोर्स प्रूफ ऑफ फैराडे लॉ। ठीक है, देखिए फैराडे ने क्या कहा था आपको। फैराडे ने प्रयोग से यह पता लगाया कि जब किसी बंद परिपथ से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो परिपथ में वैद्युत धारा प्रेरित हो जाती है। इसकी व्याख्या लॉरेंज बल के आधार पर की जा सकती है। आइए इसकी व्याख्या हम करते हैं। हमने क्या माना, पहले कुछ भाषा आपको समझा देते हैं। हमने मान लिया कि एक चालक छड़, मतलब एक ऐसी छड़ है जो चालक है, एक चालक छड़ जे के, एक यू आकार के स्थिर चालक यम यन ओ यल, उसका भी हम नाम दे देंगे या पी क्यू आर एस दे देंगे, की भुजाओं पर चित्र अनुसार दर्शाई, मतलब दाईं ओर को भी वेग से गतिमान है, चलाई जाती है, मतलब चलाई जा रही है। यू चालक एक ऐसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है जो कागज की तल के लंबवत है तथा नीचे की ओर दृष्ट है। ठीक है, तो देखिए है क्या कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र। अब इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक यू आकार आपका एक यू आकार की चालक है। ठीक है ना, ये जो यू आकार की चालक है इसका नाम है यम यन ओ यल, यम यन ओ यल। अब इसके ऊपर क्या ये समान चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करता है, इसके ऊपर एक छड़ रखी हुई है जिसका चालक छड़, जिस चालक छड़ का नाम क्या है, जे के। ठीक है ना, इस चालक छड़ को दाईं ओर स्मॉल वी वेग से चलाई जा रही है छड़, तो इस तरफ ये स्मॉल वी वेग से चल रही है। ठीक है ना, दाईं ओर स्मॉल वी वेग से ये चलाई जाती है। तो देखिए जब ये दाईं ओर स्मॉल वी वेग से चलाई जाएगी, इस छड़ को हम दाईं ओर ले जाएंगे, तो चालक छड़ की गति के कारण, जब ये चालक छड़ जे के गति करता है यानी ये गति की अवस्था में होता है, तो गति के कारण क्षण में विद्यमान मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर चुंबकीय बल ठीक है लगता है, जो इलेक्ट्रॉनों को जे से के की ओर ले जाता है। यानी जब ये गति कराई जाती है तो इनमें जो चालक जे के में मुक्त इलेक्ट्रॉन है उस पर चुंबकीय यानी लॉरेंज बल लगता है, जो इलेक्ट्रॉन को कहाँ से ले जाता है, जे से के की ओर। यानी इस पर जो लॉरेंज फोर्स लग रहा है वो क्या हो जाएगा, एफ एम, और इधर की दिशा में लगेगा ऊपर से नीचे की ओर चुंबकीय बल, जे से के की ओर लगेगा। ठीक है, आगे देखिए, जो कि इलेक्ट्रॉनों को जे से कहाँ ले जाता है, के की ओर ले जाता है। चूंकि इलेक्ट्रॉन को एक बंद परिपथ उपलब्ध है अतः ये मार्ग जे से के पे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन जे से के पे जाते हैं, और के से कहाँ पे चले जाएंगे, के से फिर ओ पे चले जाएंगे, और ओ से फिर कहाँ पे चले जाएंगे, यम पे चले जाएंगे, और यम से फिर कहाँ पे चले जाएंगे, जे पे। यानी ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे चलेंगे, जे से के पे जाएंगे, और के से कहाँ पे जाएंगे, ओ पे जाएंगे, और ओ से कहाँ पे जाएंगे, यम पे जाएंगे, और यम से फिर कहाँ पे पहुँच जाएंगे, जे पे पहुँच जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन ऐसे गति करते हैं, जे से के पे, के से ओ पर, ओ से यम पर, यम से फिर कहाँ पे जाते हैं, जे पे जाते हैं, पर अनुगमन वेग से चलने लगते हैं, अपने अनुगमन वेग से आप ये इलेक्ट्रॉन चलते हैं।
ठीक है। अब देखिए जब ये इलेक्ट्रॉन अपने अंगमन वेग से चलने लगते हैं तो परिपथ में धारा प्रवाहित होती रहती है, इससे यह स्पष्ट है कि गतिमान क्षण में एक वैद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है जो परिपथ में धारा बनाए रखता है। ठीक है, जब ये इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो इसके विपरीत दिशा में धारा बहेगी, यानी धारा की दिशा में बहेगी, धारा ऐसे बहेगी, मान लीजिए आई धारा बह रही है, कितनी धारा बह रही है, आई धारा बह रही है, इधर की तरफ भी कितनी आई धारा ऐसे घूम करके बहेगी आई धारा। अब देखिए आगे ये क्षण को दाईं ओर चलाते रहने से, यानी ये जो क्षण है इसको दाईं ओर चलाते रहते हैं, तो जैसे दाईं ओर चलाते रहेंगे वैसे वैसे क्या होगा कि क्षण जे के, यानी इस पूरे परिपथ में से गुजरने वाले ये परिपथ आपका जे के ओ एन है, एक परिपथ बन गया, परिपथ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा बढ़ता जाएगा, यानी वैद्युत फ्लक्स में क्या होता जाएगा परिवर्तन हो जाएगा जैसे जैसे इस क्षण को दाईं ओर ले जाएंगे। तो इससे फैराडे के विचार की, यानी फैराडे के नियम की पुष्टि होती है कि जब तक किसी परिपथ में गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है तब तक परिपथ में प्रेरित धारा बहती रहती है, उत्पन्न होती रहती है। ठीक है, अब माना इस क्षण को विद्युत वाहक बल ई है, इस क्षण का प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना है स्मॉल ई है, और इस क्षण को में प्रवाहित प्रेरित धारा जो है वो स्मॉल आई है। इस क्षण को हम क्या करते हैं, क्षण को बाईं ओर तक हम मतलब दाहिनी ओर ले जाते हैं, तो जब हम इसको दाहिनी ओर ले जाएंगे यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र बी है तो इस पर बाईं ओर की तरफ एक बल लगेगा, इस बल का मान क्या है, यह डैश है। अब इसमें आई धारा बह रही, मान लीजिए कि जो क्षण आपकी जेके है, जेके की लंबाई स्मॉल यल है, जेके की लंबाई क्या है स्मॉल यल है, तो आप देखिए माना कि हमने क्या मान लिया, माना कि गतिमान क्षण जेके, ये जो आपकी जेके क्षण है, गतिमान क्षण जेके है, जेके में प्रेरित विद्युत वाहक बल स्मॉल ई है, ठीक है, और तथा परिपथ में धारा स्मॉल आई है। हम जानते हैं कि जब एक धारावाही चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र में होता है, यानी चलता है, तो उस पर एक बल लगता है जिसकी दिशा फ्रेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार होती है। धारावाही क्षण जो जेके है, जेके पर चुंबकीय क्षेत्र बी द्वारा आरोपित बल, आरोपित बल एफ डैश बराबर आपका क्या हो जाएगा आई बी यल, ठीक है, यहाँ पे आई बी यल इसलिए हो जाएगा क्योंकि यल क्या है जेके की लंबाई है और जेके में बहने वाली धारा क्या है आई है और बी क्या है मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र है, जहाँ यल क्या है जेके की क्षण जेके की लंबाई है, यानी यल क्या है जेके की लंबाई है और यफ डैश की दिशा बाएं ओर की ओर है, यानी बाएं ओर की दिशा में लग रहा है, अतः क्षण को एक नियत वेग बी से दाईं ओर ले जाने के लिए हमको यफ डैश के बराबर एवं विपरीत परिमाण का बल दाहिनी ओर लगाना पड़ेगा, यानी अगर इस क्षण को हम इस तरफ दाहिनी तरफ ले जाना चाहते हैं तो इस क्षण पर हमको एक बल लगाना पड़ेगा जो यफ डैश के बराबर परिमाण का हो और दिशा क्या होगी दाहिनी यानी विपरीत दिशा में लगाना पड़ेगा, यानी हम ऐसे लिख सकते हैं कि यफ डैश बराबर माइनस यफ डैश, ठीक है ना, तो यहाँ पे माइनस एफ डैश का मतलब हो जाएगा आई बी यल। अब देखिए आप माना कि ये जो बल आपका यफ जो आप दाहिनी तरफ लगा रहे हैं जेके को ले जाने के लिए के, ये जब आपने बल लगाया तो क्षण क्या हुआ कि कुछ देर के बाद में इतनी दूर यहाँ पे आ गए, ठीक है ना, इसपे आपने दाहिनी तरफ की तरफ क्या किया एफ परिमाण का फोर्स लगाया और क्षण आपकी डेल्टा एक्स दूरी विस्थापित होकर के ये जे डैश के डैश पोजीशन में आ गई, इस पोजीशन में आ गई जे डैश के डैश पोजीशन में आ गई, तो जब आपकी क्षण जे डैश के डैश पोजीशन में आ गई स्थित में आ गई कितने समय में, मान लीजिए ये कितने समय में डेल्टा टी समय में कितना विस्थापित हुई डेल्टा एक्स विस्थापित हुई, तो जब डेल्टा टी समय में डेल्टा एक्स विस्थापित हुई तब क्षण पर किया गया कार्य तो क्षण पर किया गया कार्य आपका क्या हो जाएगा डब्लू बराबर बल गुणे विस्थापन, तो
विस्थापन कितना हुआ है डेल्टा एक्स। देखिए बल एफ लगाया इस छड़ को, एफ जे के को जे डैश के डैश स्थिति में लाए, कितनी दूर विस्थापित किए डेल्टा एक्स दूरी विस्थापित किए। अब यहाँ पे देखिए वैल्यू पुट करने के तो डब्ल्यू बराबर एफ का मान यहाँ पे रख दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा आई रियल और ये आपका हो जाएगा डेल्टा एक्स, आई रियल डेल्टा एक्स। अब देखिए इधर डेल्टा एक्स जो है छड़ द्वारा चली गई दूरी है, तो दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणे समय। देखिए आप डेल्टा एक्स बराबर दूरी, ये क्या है दूरी है, तो दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणे समय। छड़ किस चाल से छड़ चल रही है, जे के छड़ बी चाल से यानी बी वेग से चल रही है, तो यहाँ पे बी गुणे समय कितना लगता है डेल्टा टी लगता है, क्योंकि दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणे समय। तो यहाँ पे डेल्टा एक्स के स्थान पे पी टू डेल्टा टी लिख सकते हैं, तो ये आपका क्या मिल जाएगा ये डब्ल्यू बराबर आपको मिल जाएगा आई वी एल और यहाँ पे बी इंटू डेल्टा टी हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा डेल्टा टी हो जाएगा। अब देखिए इसके आगे देखिए आई आई इंटू डेल्टा टी, आई इंटू डेल्टा टी परिपथ में डेल्टा टी समय में धारा प्रेरित हो रही है आई, तो यहाँ पे आगे हम क्या लिख सकते हैं इसको मिटा देते हैं और हम ऐसे भी लिख सकते हैं आई क्रॉस डेल्टा टी। क्यू बराबर क्या होता है क्यू बराबर होता है आई टी, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि डेल्टा टी समय में आई धारा प्रेरित होती है तो बराबर इसको हम क्या लिख देंगे क्यू के लिख देंगे। तो अब ये आपको सूत्र क्या मिल जाएगा, अब ये आपको सूत्र मिल जाएगा W बराबर आपको मिल जाएगा माइनस W बराबर माइनस वी वी एल और यहाँ पे क्या मिल जाएगा Q वी वी एल Q मिल जाएगा। अब देखिए यह कार्य, ये जो आपको कार्य मिल गया यह कार्य ही परिपथ में आवेश प्रवाह के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। ये जो हम कार्य करते हैं यही परिपथ में आवेश प्रवाह के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। किया गया कार्य, हम जानते हैं कि किसी सेल द्वारा किसी परिपथ में एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य ही सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। ये बात हम लोग पढ़ चुके हैं वैद्युत धारा में। अतः क्षण जे के ठीक है में प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो देखिए जे के में प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा, छड़ जेके में प्रेरित विद्युत वाहक बल, छड़ जेके में प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो छड़ जेके में प्रेरित विद्युत वाहक बल ई बराबर क्या हो जाएगा डब्ल्यू अपान क्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे मान क्या रखा हुआ है डब्ल्यू का मान माइनस बी बी एल क्यू बटे क्यू, तो क्यू से क्यू क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो ई बराबर क्या मिल जाएगा बी बी एल, क्या मिल जाएगा बी बी एल, इसको क्या मान लेंगे समीकरण एक मान लिया जाए। अब देखिए इधर देखिए समय अंतराल डेल्टा टी में परिपथ का जो क्षेत्रफल है, देखिए पहले परिपथ का क्षेत्रफल क्या था, तो पहले परिपथ का क्षेत्रफल था जे के ओ एन जे था। अब देखिए डेल्टा टी समय में परिपथ का क्षेत्रफल कितना हो जाता है, डेल्टा टी समय में परिपथ का क्षेत्रफल बढ़ करके जे डैश के डैश ओ एन जे डैश हो जाता है। अतः इस समय अंतराल में परिपथ से गुजरने वाले फ्लक्स में परिवर्तन तो देखिए गुजरने वाले फ्लक्स में कितना परिवर्तन होगा, जब क्षेत्रफल पहले इतना था अब परिपथ का क्षेत्रफल यहाँ से लेकर के ये इतना क्षेत्रफल हो गया परिपथ का, तो गुजरने वाले फ्लक्स में क्या निकाल लेंगे हम लोग परिवर्तन निकाल लेंगे। तो देखिए इधर फ्लक्स में परिवर्तन, तो गुजरने वाले फ्लक्स में परिवर्तन क्या हो जाएगा, तो फ्लक्स में परिवर्तन डेल्टा फाइव बी बराबर क्या हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र का मान गुणे क्षेत्र में परिवर्तन,
चुंबकीय क्षेत्र का मान गुणे क्षेत्र में परिवर्तन। तो चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना है, चुंबकीय क्षेत्र का मान b है और क्षेत्र में परिवर्तन कितना हो रहा है, क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है l, लंबाई l है और देखिए ये jk की लंबाई l है और ये कितना है चौड़ाई कितना है डेल्टा x। तो क्षेत्र में कितने का परिवर्तन हो रहा है, डेल्टा x गुणे l का परिवर्तन होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, अब समय कितने समय में हो रहा है, कितने समय में ये परिवर्तन हो रहा है, तो ये परिवर्तन, तो अब आप देखिए, अब ये डेल्टा b बराबर चुंबकीय क्षेत्र का मान गुणे क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन। तो क्षेत्र में परिवर्तन कैसे निकाल लेंगे, ये लंबाई l है, चौड़ाई x है, इतना इसका क्षेत्रफल यही परिवर्तित होगा, ठीक है ना। अब देखिए अतः आगे हम क्या निकाल लेंगे, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर। अतः चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर क्या हो जाएगी, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर समय के साथ डेल्टा फाइवी बटे डेल्टा टी बराबर क्या हो जाएगा, इधर आपका हो जाएगा वी इंटू डेल्टा एक्स बटे डेल्टा टी, डेल्टा एक्स बटे डेल्टा टी इंटू क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा। आप देखिए इधर डेल्टा, देखिए इधर दूरी बटे समय, देखिए दूरी बटे समय बराबर किसके हो जाएगा, चाल के हो जाएगा, दूरी बटे समय बराबर किसके हो जाएगा, चाल के हो जाएगा, यानी क्षण का वेग, क्या हो जाएगा क्षण का वेग। तो इसके स्थान पे क्या लिखेंगे, डेल्टा फाइव बटे डेल्टा टी बराबर यहाँ पे हम लिख देंगे बी और यहाँ पे हम लिख देंगे बी एल। अब देखिए बी एल ये किसका मान मिला था, इसको क्या मान लेंगे, इसको हम मान लेंगे समीकरण दो, समीकरण क्या मान लेंगे दो, और समीकरण एक हमारा क्या था, समीकरण एक हमको मिला था स्मॉल e बराबर माइनस बी बी एल, ये क्या मिला था समीकरण एक मिला। अब क्या करेंगे समीकरण एक से, तो समीकरण एक से क्या हो जाएगा डेल्टा फाइव बटे डेल्टा टी बराबर हो जाएगा माइनस ई, इसके बी बी एल के स्थान पर क्या लिख देंगे, यहाँ पे माइनस ई लिख देंगे। अब देखिए ये ई बराबर डेल्टा फाइव बी अपार डेल्टा टी, यानी इसको हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं ई बराबर, अगर हम इसको चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं माइनस टी फाइव बी अपार डी टी, ठीक है ना। तो जब हम ऐसे इसको लिख दिए तब हम आगे क्या, यही क्या है फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम है, क्योंकि हम फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम क्या कहता है कि चिन्ह अगरते हैं आता है चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर जो होती है वो प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होती है, यही क्या है फैराडे का नियम है। आप देखिए इससे फैराडे के नियम की व्याख्या हो गई, यही हमको व्याख्या करना था। तो इस वीडियो को आप लोग देखिएगा और देखने के बाद में कॉपी में नोट कर लीजिएगा, किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद, शुभ दिन।